राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुआ है। दरअसल 9 जून की शाम हथियारबंद अपराधियों ने सुनील कश्यप को गोली मारी थी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जमीन विवाद में अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 9/21 को एयरपोर्ट थाना अंतर्गत हुंडरू मार्ग में सुनील कच्छप नाम के व्यक्ति को गोली मार के उसको हत्या कारित करने के प्रयास से एक कंस्पायरेसी एक घटना अंजाम दिया गया था। और चूंकि बहुत एक सनसनीखेज इशू था, सामने मारा गया था और बिल्कुल ब्लाइंड केस था। चूंकि जो इस केस के पीड़ित थे वो भी कुछ बता पाने में अक्षम थे, कुछ बता नहीं पा रहे थे। और जो इसका रिजल्ट फाइंडिंग्स आया उससे यह ज्ञात हुआ कि बेसिकली पूर्व में किसी जमीन के विवाद को लेकर गैब्रियल पीटर के साथ इनका विवाद चला रहा था और ये किन प्रक्रिया में गैब्रियल पीटर इस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था। थाना में पहले भी कई बार इशू इसको लेके हुआ, सॉर्ट करने की कोशिश की गई, बट गैब्रियल को उसको हटा के जमीन कब्जा करने का मकसद था, जिस मकसद को पाने के लिए उन्होंने अपने अन्य साथी रोहित कुमार, सुनील मिंज और संजू मिंज के साथ इस घटना को अंजाम दिया। अनुसंधान के पश्चात चारों की अरेस्टिंग की जा चुकी है। घटना में प्रयुक्त जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था